बच्ची बता रही थी, बोले दीवार फांद के अंदर कूदा और चाकू से मार दिया। मध्य प्रदेश में भी झारखंड जैसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि खंडवा में एक सिर्फ आसिक ने एक तरफा प्यार में युवती का गला रहता, युवती की हालत गंभीर, आरोपी फरार। घायल युवती के पिता ने बताया कि युवती घर में अकेली थी और यह गांव का कोटवार दीवार कूद कर अंदर आ रहा है। उसने चाकू से कई जगह वार कर दिया, गले में भी वार किया है, गला रेतने की कोशिश की है, जिसके चलते युवती की हालत गंभीर है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा घायल युवती के पिता की जुबानी पूरे मामले की कहानी। मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची 18 साल में कुछ कम है जो होने को है, उसको मेरी बच्ची को ये गांव के कोटवार में चाकू गले में मारा है, गला काट दिया, हाथ में मारा हुआ है, मुंह में मारा है, पेट में लगा हुआ है। ऐसे आदमी को तो सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और इसको सख्त से सख्त मतलब फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसी दर्दनाक मतलब उसने घटना करी है। कौन है ये और क्यों मारा? ये गांव का कोटवार है और नाम बबलू है इसका। इसके पिताजी ने भी कुछ समय पहले एक गांव के आदमी का मर्डर किया था, वही हादसा इसने दोहराया है। ऐसे आदमी को सजा देना चाहिए और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्या रंजिश क्या है इसकी, क्यों मारा? रंजिश है गांजा पीना, दारू पीना और किसी को भी मंचा ऐसे बोलना, गाली गलौज करना। आज क्या हुआ था? आज तो सर मैं गांव गया था, आज क्या हुआ? बच्ची बता रही थी, बोले दीवार फांद के अंदर कूदा और चाकू से मार दिया।